हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें। एक क्वेश्चन बहुत ऐसा आता है जो आप कॉमन बात हो गया है कि मैं इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखूं, ठीक है। तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को सेवन स्टेप बताऊंगा जिस स्टेप को फॉलो करके इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगे। मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ने सिखाने की बात कर रहा हूँ कि इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखेंगे, कौन से ऐसे स्टेप है जिसको फॉलो करके मैं सीख जाऊँगा, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आप लोगों को सेवन स्टेप बताऊँगा जिससे आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगे, हाउ टू रीड इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें। तो ये सेवन स्टेप है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया और मैं इस चीज़ को मैंने फॉलो किया और मैंने इससे इंग्लिश पढ़ना सीखा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं दसवां में था यानी टेंथ में था तब तक मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था। जब मैं दसवां पास कर गया, जब मैं इलेवेंथ में आया तो मुझे जरूरी पढ़ने लगा, हर जगह पर इंग्लिश देखने को मिलने लगा, तो मुझे लगा कि नहीं इंग्लिश पढ़ना सीखना पड़ेगा। तो मैंने खुद से इस स्टेप को फॉलो किया, वही मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के पास शेयर करने जा रहा हूँ जिस स्टेप को फॉलो करके आप बहुत आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगे, ठीक है। पहला स्टेप है कि एक बुक होना चाहिए जो इंग्लिश की किताब होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास एक बुक है, ठीक है, मेरे पास कोई भी बुक है तो मैं इंग्लिश की बुक की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को इंग्लिश पढ़ना सीखना है। तो आपके पास एक बुक होना चाहिए, जो पहला स्टेप है आपके पास क्या होना चाहिए, एक इंग्लिश की बुक होनी चाहिए जो पूरी स्टोरी जो भी हो उसमें, स्टोरी हो, लव स्टोरी हो, पोएम हो, कुछ भी उसमें जो भी बताया गया, जो आपका कोई भी बुक हो वो हम क्या होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए, एक पहला स्टेप है, ठीक है। दूसरा स्टेप है कि बुक इजी में होना चाहिए, जो बुक लिखा गया, जो स्टोरी उस बुक में बताया गया होगा, आपका स्कूल का हो गया हो बुक हो या कॉलेज का बुक हो या कोई ऐसा लव स्टोरी बुक हो या कोई भी ऐसी पॉपुलर बुक हो, मोटिवेशनल बुक हो, आप कोई भी बुक ले सकते हो, ठीक है। वो जो बुक होना चाहिए वो थोड़ा इंडियन राइटर का होना चाहिए, यानी कि इंडियन राइटर का। इंडियन राइटर क्या होता है कि थोड़ा इजी वे में होता है, यानी कि आसान भाषा में होता है, जिसको हम लोग बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि वो जो होता है उसमें इजी लैंग्वेज होता है, जो उसमें वर्ड होता है वो बहुत आसान वर्ड होता है। तो हम लोग पढ़ना सीख रहे हैं तो आसान बुक होना चाहिए जिससे हम लोग उसमें अच्छा लगे, मन लगे पढ़ने में, तो उससे हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। तो कोई इंडियन बुक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंडियन बुक होना चाहिए। आपका वो कॉलेज का बुक हो सकता है, स्कूल का बुक हो सकता है, या कोई ऐसा लव स्टोरी बुक हो सकता है, या कोई ऐसे पॉपुलर मोटिवेशनल बुक हो सकता है, बट उस बुक को आसानी में लिखा गया हो। क्या होना चाहिए, आसानी में लिखा होना चाहिए, उस बुक को शुरू में पढ़ना सीखें, क्योंकि जब आसानी में रहेगा तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। तो मैं एक बुक को गाइड कर सकता हूँ, अगर आप लोग उस बुक को लेना चाहोगे तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा बुक को और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो बुक का नाम है यू कैन विन, आपकी जीत, जो एक झारखंड का राइटर है, वो झारखंड का राइटर है, उस बुक को लिखा है जो बहुत आसानी वे में, यानी कि आसान भाषा में, यानी कि जिसमें इंग्लिश का जो वर्ड जो यूज किया गया वो आसान वर्ड वो यूज किया गया और छोटे छोटे वर्ड हैं, बड़ा बड़ा वर्ड नहीं है, जिससे कि आप इंग्लिश बोलना आप सीखोगे तो उसमें छोटे छोटे होने चाहिए जिससे कि आपको अच्छा लगे पढ़ने में। तो छोटी छोटी वर्ड में लिखा है, तो मैं उस बुक को गाइड करता हूँ क्योंकि मैंने भी उस बुक को पढ़ना जब शुरू किया तो मुझे भी किसी ने गाइड किया था और वही मैं गाइड आप लोगों को दे रहा, क्योंकि उसमें आसान भाषा में लिखा गया और वो बहुत अच्छा बुक है, मोटिवेशनल भी बुक है, तो बुक आसान भाषा में लिखा भी है और वो झारखंड का राइटर जो इंडियन राइटर हो गया, ठीक। तो मैं इंग्लिश इंडियन राइटर में बात कर रहा हूँ। तीसरा स्टेप है बुक रीडिंग। क्या है बुक रीडिंग, आपको बुक को पढ़ना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को कर पाओगे। आप एक दिन पढ़ोगे, दो दिन पढ़ोगे, बुक को छोड़ दोगे पढ़ने के लिए तो नहीं होगा। आप सीख रहे हो पढ़ने के लिए, तो आपको मान लो कि ये बुक है, इस बुक को पूरा पढ़ के ख़त्म करना है, ठीक है। तो इस बुक को आपको मतलब कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, कि आपको जो बुक होना चाहिए वो भी इंग्लिश में होना चाहिए, पूरी इंग्लिश में आपको उस बुक को पढ़ना है। इस बुक को आप पढ़ोगे, जो इंग्लिश में बुक लिखा है, जैसे मेरे पास ये बुक है, तो इस बुक को पढ़ना है। किस तरह से पढ़ना है, बोल बोल कर पढ़ना है, किस तरह से बोल बोल के पढ़ना है, मन में नहीं पढ़ना, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ इस तरह से, मन ही मन नहीं पढ़ना, आपको बोल कर पढ़ना है, जोर से बोल कर पढ़ना है, क्योंकि जब आप जोर से बोल बोल कर पढ़ोगे तो आपका जो है मुंह भी खुलेगा, यानी कि आवाज़ आपका मुंह से भी निकलेगा, जिससे आपका आवाज़ क्लियर निकलेगा, आपका मुंह भी चलेगा, जिससे कि आपको भी पता लगेगा, कोई सुनेगा तो आपको बोलेगा भी कि आप क्या गलत पढ़ रहे हो, क्या सही पढ़ रहे हो, तो वो भी आपको गाइड करेगा। दूसरी बात, आप खुद से बोलोगे, खुद से सुनोगे तो आपको भी लगेगा हाँ मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, मन ही मन पढ़ोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो किस तरह से पढ़ना है, जैसे मैं दो तीन पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, ठीक, किस तरह पढ़ना है। With the deepest gratitude, I wish you thank every person who has come into my life and inspired, touched and illuminated me through their presence. I would also like to acknowledge and express my gratitude to the following people for their magnificent support and contribution to my journey and to the creation of this book. देखिए, इसमें छोटी छोटी
वर्ड में लेकर देखिए, आपको दिख रहा होगा बहुत सारा इसमें छोटे छोटे वर्ड है, इसमें उल्टा दिखता होगा, ठीक है। इसमें जो से जो आसान आसान वर्ड है, यानी कि छोटे छोटे वर्ड, बड़ा बड़ा वर्ड नहीं, जैसे कि विश वीथ है, ठीक है, वीथ है छोटा वर्ड है, दा है छोटा वर्ड है, डिपेट है छोटा वर्ड है, ग्रेटिट्यूड है छोटा वर्ड है, आई है ये भी छोटा वर्ड है, विश भी है क्या छोटा वर्ड है, टू है सो क्या है छोटा वर्ड है, थैंक क्या है छोटा वर्ड है, एवरी क्या है छोटा वर्ड है, यानी कि छोटे छोटे वर्ड में भी लिखा है और आपको बोल बोल कर पढ़ना है। जे मैं जिस तरह से मैंने आप लोगों को पढ़ के सुना दिया, जैसे कि आई वुड ऑल्सो लाइक टू एक्नॉलेज एंड एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू दी फॉलोइंग पीपुल फॉर देयर मैग्निफिसेंट सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूशन टू माई जर्नी एंड टू द क्रिएशन ऑफ दिस बुक। यानी कि आपको बोल बोल कर पढ़ना है, ठीक है, जिससे कि लोग भी सुनेगा, उसको भी अच्छा लगेगा हाँ कि पढ़ रहा है, उसमें अगर कहीं पे आप गलत पढ़ोगे तो वो भी आपको बताएगा इस चीज़ को किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। एक तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप है बुक को कंटिन्यू रखना ही रखना है, और आपको बुक को जब पढ़ोगे, जब किसी भी बुक को स्टार्ट करोगे, मान लो कि इस बुक में 100 पेज है, ठीक है, इस बुक में कितना 100 पेज है, तो आपको किस तरह से पढ़ना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कंटिन्यू रखना है और बुक को पढ़ना है, तो आप बुक को एक समय बांट लो, आ तो आप 1 घंटा पढ़ो रेगुलर, या आधा घंटा पढ़ो, या अगर 100 पेज है तो रोज़ के मान लो आप 10 पेज ही पढ़ो, गलत पढ़ो, बट रोज़ रेगुलर पढ़ो, आप पढ़ते पढ़ते ही सीख पाओगे, गलत पढ़ोगे या सही पढ़ोगे कुछ तो पढ़ोगे, तभी तो आप सीख पाओगे, तो आपका उच्चारण भी सही होने लगेगा, मुंह भी चलने लगेगा, आपको भी लगेगा मैं कुछ सीख रहा हूँ। तो आपको समय के अनुसार पढ़ना है या पेज के अनुसार पढ़ना है। अगर 100 पेज है तो मान लो कि आप 10 दिन ख़त्म करना चाहते इस बुक को, ठीक है, इसमें 100 पेज है तो आप 10 दिन में बांट लो कि मैं 10-10 पेज पढ़ूंगा रेगुलर, रोज़ पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो जब तक आप बुक सीख ना जाओ, ठीक है। या तो फिर समय के अनुसार पढ़ो, मैं आधा घंटा मान लो पढ़ता हूँ या 1 घंटा पढ़ता हूँ, बट रेगुलर पढ़ना है, आप रेगुलर पढ़ना है, 1 महीना 2 महीना पढ़ो, अगर एक महीना भी आप पढ़ लोगे ना रेगुलर, तो आप 50% आप इंग्लिश सीख जाओगे पढ़ने के लिए, 50% मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। ये चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप है हिंदी मीनिंग समझने की कोशिश नहीं करना। मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं कोई यहाँ पे स्टोरी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई स्टोरी पढ़ूंगा इस बुक में, अब इस बुक में अगर जो स्टोरी दिया है इस बुक के पढ़ लूँगा और हम इसका अगर हिंदी समझने की कोशिश करूँगा तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगा और जिससे मैं बुक पढ़ना छोड़ देंगे, क्योंकि आप बोलोगे यार मैं पढ़ रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अभी सिर्फ इंग्लिश पढ़ना सीखना है, समझना नहीं। मैं समझने की कोशिश इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप पढ़ने सीख रहे हो, आप बिगिनर हो, आप सीख रहे हो, आप पहले सीखोगे पढ़ने के लिए तभी तो आप समझ पाओगे, आप पढ़ने ही नहीं जान रहे हो, समझने की कोशिश करोगे तो पढ़ना भी छोड़ दोगे, ठीक है, तो आप हिंदी मीनिंग समझने की कोशिश मत करना। छठा स्टेप है वर्ड को याद रखना। जैसे कि मान लो कि मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अब जो स्टोरी पढ़ रहा हूँ उसमें एक ही वर्ड बार बार यूज हो रहा है, तो उस वर्ड को याद रखना है कि मैं जो वर्ड पढ़ रहा हूँ वो कितनी भी वर्ड आए कितना बार यूज होगा, ठीक है, वो तो वर्ड जो उसे बार बार यूज होगा तो आपको वर्ड याद रखना है। मान लो कि जैसे मैं फॉर दियर पढ़ रहा हूँ, ठीक है, फॉर दियर इंस्पिरेशनल टीचिंग डॉक्टर रॉबर्ट, इस तरह से मैं कोई वर्ड्स ले रहा हूँ, अब मान लो कि अब फॉर पढ़ा तो बहुत सारे जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें फॉर बार बार आएगा, डियर बार बार आएगा, इंस्पिरेशनल बार बार आएगा, मोटिवेशन बार बार आएगा, रीडिंग बार बार आएगा, तो उस चीज़ को हम लोग को समझना है कि जो मैं वर्ड पढ़ रहा हूँ उस चीज़ को वर्ड को याद रखना है, क्योंकि वो वर्ड बार बार यूज होगा। और लास्ट स्टेप है 7 स्टेप, जो लास्ट है वो 7वां स्टेप है कि आप मान लो कि कोई स्टोरी बता रहे हैं, कोई ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, जो जैसे कि मान लो ये बुक है, ठीक है, इसमें स्टोरी बताया गया, जो स्टोरी बताया गया है इस स्टोरी को बुक को रख कर आपको बता रहा है, एक एक अक्षर करके आपको समझा रहा है, उस वीडियो को देखने की कोशिश करो। जैसे कि फॉर दियर जेनरोसिटी इन शेयरिंग दियर स्टोरीज कैथ गुडमैन सुमन स्टोलेस एंड कोलिन हेल्म सुमन मेमोरीज डायरेक्टर फॉर ब्लेजिन, इस तरह से जो भी इसमें सेंटेंस लिखा है उस सेंटेंस को आपको दिखा दिखा कर पढ़ना सिखा रहा है, बोल बोल कर पढ़ रहा है, उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करो, उस वीडियो को देखने की कोशिश करो, क्योंकि उस वीडियो में आपको हिंदी भी बता रहा है और इंग्लिश पढ़ भी रहा है कि क्या लिखा है, उस चीज़ को भी आपको समझा रहा है। उससे क्या होगा, आप पढ़ भी जो पढ़ेगा आप सुनोगे तो आप भी सीख जाओगे पढ़ने के लिए, उसमें क्या स्टोरी बताया गया उस चीज़ को भी आप समझने की कोशिश करने लगोगे तो आप सीख जाओगे। तो उन लोगों का वीडियो देखना जो इंडिया का हो, क्या होना चाहिए, इंडिया के होना चाहिए, और प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान नहीं देना। अगर मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ तो उसमें उसका सही जो उच्चारण होता है कि कौन सा वर्ड का सही उच्चारण कैसे किया जाता है उस पर ध्यान नहीं देना जो आप सीख रहे हो, क्योंकि आप सीखोगे तब उसके बाद आप प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दोगे। आप शुरू में ही प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दोगे तब पढ़ ही नहीं पाओगे, आप गलत भी पढ़ दोगे, पढ़ रहे हो वो भी छोड़ दोगे पढ़ने के लिए, तब गलत करके ही सीखोगे, ठीक है।
तो आप पहले सीखना, पहले पढ़ना सीखो, उसके बाद प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना। और वीडियो देखना जरूर, वीडियो को जरूर देखें जो किसी बुक का स्टोरी को बता रहा हो, क्लियर में समझा रहा हो, उस चीज़ को देखने की कोशिश करना, और वो भी इंडियन का होना चाहिए, जो इंडिया का हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जो मैं 7 स्टेप बताया, इस स्टेप जो है ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं इसी 7 स्टेप को उपयोग करके मैंने सीखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो बुक पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, तो अब इस स्टेप को फॉलो करके आप पढ़ना सीख जाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, एक प्यार से कमेंट कर देना कि वीडियो कैसा था। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।